हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस अपलोड किया है और उसमें बताया है कि आयोग ने अपनी चयन प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया है। ये सारे बदलाव हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ है। होता क्या था गाइस कि पहले जो सिस्टम था उसमें अगर कोई स्टूडेंट प्री में या फिर आगे किसी भी लेवल पर आरक्षण के आधार पर सिलेक्ट हो जाता था, मतलब SC, ST, OBC की कट ऑफ के हिसाब से, और बाद में फाइनल सिलेक्शन के समय उसके नंबर जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाते थे तो उसे जनरल कैटेगरी के आधार पर जोड़ा जाता था। मतलब उसको अब SC, ST, OBC की कैटेगरी से निकालकर उसे जनरल कैटेगरी के आधार पर जोड़ा जाता था, मतलब ओवरलैपिंग होती थी। तो SC, ST, OBC की जो कट ऑफ का फ़ायदा लिया और आगे मेंस में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो फिर उसको अनारक्षित श्रेणी में कर दिया जाता था। तो अब इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी लेवल पर प्री या मेंस कहीं पर भी आरक्षण की कट ऑफ के आधार पर सिलेक्ट किया गया है तो फिर वो आरक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा, वो अपनी श्रेणी में ही माना जाएगा अगर उसने किसी भी श्रेणी में आरक्षण लिया है। और फिर फाइनल लिस्ट चाहे जर्नल के बराबर उसके मार्क्स आ गए हों तब भी वो अपनी ही श्रेणी की सीट पर चयनित होगा। ऐसा नहीं है कि जर्नल की कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं अगर मेंस में तो उसको फिर जर्नल में कर दिया गया। ऐसा पहले होता था बट अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, वो अपनी ही श्रेणी में माना जाएगा जिससे ओवरलैपिंग जो होती थी उसे बचा जा सके। ऐसा सिस्टम UPSC में भी पहले से ही है और अब UPPSC मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा जो चयन आयोग है इसने भी उसी का अनुपालन किया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। लेकिन गाइस एक चीज़ का खास ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये र्यूमर फैलाया जा रहा है तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना ही ऐसा है कि आप सिर्फ अपनी ही कैटेगरी में नौकरी पा सकेंगे। आप जर्नल कैटेगरी में भी फाइट कर सकते हैं अगर आप जर्नल की कैटेगरी की जो भी कट ऑफ गई है उसके बराबर मार्क्स लाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई गई है वो सिर्फ इतनी है कि अगर आप किसी भी लेवल में आरक्षण का लाभ लेते हैं तो आप अपनी ही कैटेगरी में माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आपको काउंट नहीं किया जाएगा अगर आपके मार्क्स आगे किसी भी लेवल में ज़्यादा आ जाते हैं। बस इतना सा बदलाव है। तो जो ये र्यूमर फैलाया जा रहा है इस पर ज़रा भी ध्यान मत दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन अब केवल अपनी ही कैटेगरी में होगा, जर्नल में या किसी अदर कैटेगरी में आप फाइट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं जो पहले ही था। तो केवल यहाँ पर जो बात हुई है वो ओवरलैपिंग को रोकने के लिए इसने किया है, जो UPSC में पहले से ही है, सेम वही पैटर्न पर बदलाव किया है और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं गिव अवे की। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और 5 लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक प्लस सरप्राइज मनी गिफ्ट जीत सकते हैं। जब भी इसमें 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करूंगा और पोस्ट के माध्यम से उनके एड्रेस पर ये सेंड कर दी जाएंगी। तो थैंक यू गाइस, ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।